सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आपको पता ही होगा कि आज शाम को फाइनली हॉरर बैल का सीजन 3 आ चुका था एंड इसके आते ही काफ़ी लोग ज़्यादा खुश थे। बट यहाँ पर जैसे ही लोगों ने गेम ओपन किया तो वही प्रॉब्लम आ रही थी जो हॉरर बैल के सीजन 1 में आ रही थी। आपको याद होगा सीजन 1 में जब हम लोगों ने गेम को चालू किया था तो गेम ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो रहा था, सर्वर प्रॉब्लम आ रही थी, तो वही सब प्रॉब्लम इस बार भी आ रही है। एंड तब मेरा चैनल का ये पहली वीडियो थी हॉरर ब्रॉल पे। वैसे ये तो बताने वाली बात नहीं है, बट हाँ, तो इसी से रिलेटेड कैप्टेडियंस वालों के इस कम्युनिटी पोस्ट में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि ये हॉरर ब्रॉल का जो नया मैप है वो चल नहीं पा रहा है, नया अपडेट चल नहीं पा रहा वगैरह वगैरह। तो फाइनली अभी थोड़ी देर पहले कैप्टेडियंस वालों ने एक कम्युनिटी पोस्ट करके क्लियर किया है कि जो सीज़न 3 है इसके जो सर्वर हैं उसमें तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है एंड उसमें कैप्टेडियंस की टीम काम कर रही है उसको ठीक करने के लिए, उसको कैप्टेडियंस की टीम फिक्स कर रही है। तो पूरा कम्युनिटी पोस्ट क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वी आर हैविंग सम टेक्निकल इशू सिंस द रिलीज ऑफ सीज़न 3। वी आर वर्किंग ऑन इट एंड इट विल बी अप रनिंग करेक्टली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। सो गाइस, जैसा कि आपने कम्युनिटी पोस्ट में देखा कैप्टेडियंस वालों ने साफ साफ बता दिया है कि आने वाले कुछ घंटों में ये जो प्रॉब्लम है गेम ना चलने की, सर्वर डाउन होने की, तो ये सब ठीक हो जाएगा बिकॉज नया नया गेम यार हो जाता है। सो यस, ठीक हो जाएगा। एंड लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, मतलब जब प्रॉब्लम हुआ था ये गेम में तो थोड़ी देर बाद ही कैप्टेडियंस वालों ने इसे सॉल्व भी कर दिया था। तो यस, आप लोगों का अगर सॉल्व हो गया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।